Meeting recording has started. Hello everyone, my name is Puneet and I'm part of Avaya's video collaboration team. And today I'll take you through the tour of Avaya CU360, that how the product looks and how we can get started with it. So I prefer this session to be in Hindi. Will it be comfortable for everyone, right? Yeah, that is fine, Puneet. ठीक है, मैं बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करता हूँ. अभी CU360 स्क्रीन पे ऑन है. अगर मैं दिखाऊं तो मैंने CU360 स्क्रीन के नीचे रखा हुआ है और मैं शुरू से शुरू करता हूँ, बिल्कुल पावर ऑन से, जब से डिवाइस ऑन करते हैं, फ्रॉम वेयर की कैसे कैसे अगले स्टेप्स पे जाना है. Yeah, Puneet, you may want to show the physical CU as well. Maybe just zoom out the camera a little bit. This is the device. आपका कैमरा और उसके चार माइक्रोफोन्स यहाँ पे इनबिल्ट हैं. और बैक साइड में डिवाइस के आपके टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है. सबसे पहले टाइप सी पोर्ट से भी पहले अगर आप बहुत गौर से देखेंगे, आपके पास अगर फिजिकली डिवाइस होगा तो वहां पे रीसेट का एक बटन दिया हुआ है, RES जहां पे लिखा हुआ है. तो कोई भी पिन के थ्रू, जो मोबाइल सिम इंजेक्ट करने के लिए पिन आता है, उसके उस तरह के पिन के थ्रू आप डिवाइस को रीसेट कर सकते हैं, इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम आता है बिल्कुल स्टार्टिंग में या आगे चल के कभी. उसके बाद इसमें टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है. एक टाइप सी पोर्ट के बाद HDMI, USB और डिवाइस के दूसरे एंड पे LAN का पोर्ट है, पावर और एक माइक्रो SD कार्ड के लिए स्पेस दिया हुआ है ताकि आप इसका ओवरऑल जो स्टोरेज है वो इंक्रीज कर सके. तो इसमें जो टाइप सी पोर्ट है और USB पोर्ट है, उनके अलग अलग यूजेज है जो हम आगे चल के देखेंगे. बट पीछे जो बैक साइड से डिवाइस दिखता है वो ऐसा है. पोर्ट्स जो है वो उनका अपना वर्किंग है कि HDMI पे आप स्क्रीन कनेक्ट करेंगे, LAN में आप पावर दे सकते हैं, बाकी सॉरी LAN के थ्रू आप नेटवर्क दे सकते हैं, बाकी वाईफाई पर भी डिवाइस जो है नेटवर्क पे चल जाता है, वाईफाई इनेबल्ड है डिवाइस. तो मैं पावर ऑन करता हूं और HDMI केबल लगाता हूं, उसके बाद डिवाइस ऑन करता हूं, तो हम देखते हैं कैसे स्क्रीन पे क्या क्या आता है. इस तरीके से डिवाइस स्टार्ट होता है, मतलब Avaya CU360 की ब्रांडिंग और उसका एक Avaya CU360 का एक तरीके से साउंड आता है. और मैक्सिमम केसेस में आपको ये एंड्रॉइड स्क्रीन आता है. इन केस अगर एंड्रॉइड स्क्रीन नहीं आता है तो डिवाइस में एक दूसरा स्क्रीन अपीयर होता है जब डिवाइस स्टार्ट होता है, वो ये वाला आता है. ये पर्टिकुलर स्क्रीन नहीं आता है, अभी आएगा स्क्रीन. तो इधर जो एंड्रॉइड स्क्रीन में बता रहा हूं, या तो वो सामने नजर आएगा आपको, या जो दूसरा स्क्रीन अभी अपीयर होगा वो आना चाहिए. अब डिवाइस थोड़ा बूट होने में टाइम ले रहा है, तो जैसे वो आता है मैं आपको दिखाता हूं. ये स्क्रीन अपीयर करता है सामने से. बेसिकली Avaya CU360 दो तरह से वर्क करता है. इधर आप इसमें स्टैटिक आईपी टू स्टैटिक आईपी वीडियो कॉल कर सकते हैं, जैसे हम कन्वेंशनली पहले से वीडियो कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं. और दूसरा ऑप्शन है एंड्रॉइड एप्लीकेशन कोई भी डाउनलोड करके, मतलब आप कोई जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल मीट, कोई भी एप्लीकेशन जैसे कि हम मोबाइल या टैबलेट में डाउनलोड करते हैं, सिमिलर फैशन में आप डिवाइस में डाउनलोड कर सकते हो और वहां से भी कॉल कर सकते हो. इसलिए दो तरीके की स्क्रीन्स अपीयर होती हैं जब हम CU360 स्टार्ट करते हैं.
इधर ये वाली स्क्रीन अपियर होगी, वरना आपकी ये दूसरी स्क्रीन अपियर होगी। अब स्विच कैसे करते हैं दोनों के बीच में, इसमें होम बटन दिया हुआ है आपके रिमोट पे बिल्कुल नीचे, ये होम बटन जो बना है आप जब अगर इस पे प्रेस करेंगे तो वो एंड्रॉइड स्क्रीन पे चला जाता है। जैसे मैं अगर इसको प्रेस करता हूं तो आपका ये स्क्रीन विजिबल हो जाता है। पुनीत शर्मा, जस्ट अ क्वेश्चन, दिस विल बी प्रेडोमिनेंटली यूज्ड विद द वाया स्पेसेस, इज दिस करेक्ट? No, sir, will be used with Google Meet, Zoom, okay. WebEx or video. Carry on. Spaces bhi use hoga? Hello? Yeah, Spaces bhi use hoga. ठीक है। तो basically अगर हम इस screen पे appear होते हैं और हमको दूसरे screen पे जाना है तो इसमें जो Avaya का एक icon बना होता है, ये red color का icon, रेड एंड व्हाइट कलर में, आप इस पे क्लिक करोगे तो ये इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे अपने आप आ जाता है। अगर आपको आईपी बेस्ड कॉल करना है किसी भी सिनेरियो में, इन केस कोई आपको स्टैटिक आईपी डायल करना है, आपके पास कोई आईपी एड्रेस आया है या कोई सिप एड्रेस आया है, तो सबसे फर्स्ट आइकन जो है आप रिमोट, आपका नॉर्मली माउस पॉइंटर वर्क करेगा, आप रिमोट जैसे जैसे हिलाओगे तो वो उस हिसाब से स्क्रीन पे विजिबल होता जाता है रिमोट। आपको ये कॉल का जो ऑप्शन दिया हुआ है इस पे क्लिक करना है, एंड वंस यू क्लिक इट विल गिव यू एन ऑप्शन, आप यहाँ पे जो भी आईपी एड्रेस है या सिप एड्रेस है उसको टाइप कर सकते हो। टाइप करने के लिए आपके रिमोट में क्वेटी कीबोर्ड है, नहीं तो आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हो टाइप करने के लिए। तो आपको जो भी आईपी एड्रेस आया है डायल करने के लिए या कोई सिप एड्रेस आया है तो वो आप सिंपली डायल कर सकते हो। और कॉल करने के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें कॉल प्रोटोकॉल दिया हुआ है, ये H.323 है, तो आप आईपी एड्रेस डालोगे। अगर आपको ये सिप कॉल करनी है किसी भी वजह से तो आप इस पे यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन बना हुआ है इस पे क्लिक करोगे तो ये विंडो अपियर होगा, यहाँ पे आप H.323 से सिप चेंज कर सकते हो। सॉरी, इसको वीडियो पे रखना है, ये आपका इधर H.323 या सिप कॉल के लिए आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर सिप या आईपी कॉल करनी है तो यहां से इजीली हो सकता है, आप जब एड्रेस डायल कर लोगे कॉल करोगे तो इट विल गेट कनेक्टेड, जहां पर भी कॉल आया होगा वहां पे कनेक्ट हो जाएगा डिवाइस। बैक करने के लिए ये ऑलरेडी कंट्रोल्स यहां पे बने हैं तो आप यहां से बैक कर सकते हैं, यू कैन म्यूट ऑडियो एंड कैमरा, आप इसका वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो यहां से। बाकी रिमोट में सेम ऑप्शंस दिए हुए हैं ऑलरेडी, तो आप रिमोट के थ्रू भी सेम चीजें कर सकते हो। बैक करने के लिए आप बैक बटन भी बना हुआ है तो आप इससे भी बैक कर सकते हो, ये बिल्कुल टॉप पे बना हुआ है सेंटर में। यहां से बहुत बेसिक लेवल पे आप जो सेटिंग्स भी कर सकते हो, अगर आपको शुरू में डिवाइस के साथ कोई ब्लूटूथ बेस्ड स्पीकर फोन कनेक्ट करना है, हो सकता है आपका रूम बड़ा हो या किसी वजह से ये शिकायत आएगी आपकी आवाज नहीं जा रही है, इनकेस माइक्रोफोन्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं उसका कोई भी रीजन हो सकता है, या आपको वॉल्यूम प्रॉपर नहीं आ रहा है कोई भी कारण से, आप कोई चाह रहे हो कोई एक ब्लूटूथ बेस्ड स्पीकर फोन कनेक्ट करना है, तो आप इन्हीं कंट्रोल्स में आप सबसे राइट साइड में आएंगे तो देखेंगे तो कॉन्फिगर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो यू कैन क्लिक ऑन द कॉन्फिगर ऑप्शन। कॉन्फिगर में उसमें अलग अलग आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कि आपको क्या सेटिंग्स करनी है क्या नहीं करनी है। अगर यहाँ पे आप अपनी सारी सेटिंग्स डाल सकते हैं डिवाइस से रिलेटेड कुछ भी, उसका डेट और टाइम सेट करना है, अगर उसमें कोई ऑलरेडी पिन एंटर करना है या कुछ भी आपको स्क्रीन सेवर डालना है, उसकी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, इस तरह के ऑप्शंस आप जनरल सेटिंग्स में जाके कर सकते हैं। नेटवर्क से रिलेटेड अगर आपको वाईफाई कनेक्ट करना है तो नेटवर्क में जाके वाईफाई का ऑप्शन दिया हुआ है, वाईफाई में जाके आप नेटवर्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब यहां से आप वाईफाई नॉर्मली ऑफ करके ऑन कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मली अपने फोन में करते हैं, ऑन करेंगे तो आपके जो भी आसपास के नेटवर्क्स हैं वो आ जाएंगे, तो आप अपना नेटवर्क सेलेक्ट करके यू कैन एंटर यूजर नेम या पासवर्ड जो भी एंटर करना है, तो डिवाइस अपने आप कनेक्ट हो जाएगा।
बाकी अगर आपको लैन से कनेक्ट करना है तो लैन के लिए आप लैन केबल लगा के आपको फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक या मैनुअल आईपी एड्रेस डालना पड़ेगा, वो आपकी आईटी टीम आपको बता पाएगी बेहतर तरीके से। इसके अलावा बिल्कुल शुरू में अगर आपको एडवांस सेटिंग्स का ऑप्शन चाहिए किसी भी वजह से, कल को आप कोई टेलीफोनिक सपोर्ट मांगते हो तो कई केसेस में एडवांस्ड सेटिंग्स में भी जाना पड़ता है। अगर आपको एडवांस सेटिंग्स में जाना है तो ये ऑप्शन आ जाता है, इसमें पासवर्ड एंटर करना होता है। तो जेनेरिक पासवर्ड है प्रोडक्ट का 1234, मतलब आप अगर 1234 एंटर करेंगे तो आप डिवाइस के अंदर चले जाएंगे।